तेल हमारे जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसके बिना हम किसी भी व्यंजन व भोजन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। और जब बात सरसों के तेल की हो तो इसके और भी महत्व हैं। भोजन तैयार करने के अलावा हम इसका उपयोग अन्य जरूरतों के लिए भी करते हैं। इसके औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों के लिए होता है। बहुत से लोग सरसों की खेती करते हैं क्योंकि इसे हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है और बहुत अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इसकी खेती उपज एवं आमदनी की दृष्टि से लाभदायक भी है। हम पहले से भी सरसों का खेती कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और रबी लगाते हैं उसी समय सरसों लगाया जाता है। और सरसों में थोड़ा पानी सिंचाई कम लगता है, सरसों हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। सरसों को उपजा करके हम लोग तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके हम लोग खाते हैं, और खा करके हम लोग बेच देते हैं, जो बच जाता है वाला बेच देते हैं। सरसों से हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। सरसों की खेती में अच्छी उपज पाने के लिए जरूरी है कि इसकी खेती विधि पूर्वक की जाए। सरसों की खेती में कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, जैसे बीज का चयन और उपचार, खेत की तैयारी, खाद प्रबंधन, लाइन से बीज की रोपाई, खार पतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे बीज का चयन कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ बीज के उपचार के बारे में भी जानेंगे। श्री विधि मतलब सरसों का खेती करने के लिए हम लोग पहले बीज का चुनाव करते हैं, उसके बाद हम लोग बीज का उपचार करते हैं। सबसे पहले बीज को सुसुम पानी में डालेंगे, उसके बाद डालने से के बाद जो मतलब पूरा हाथ से मिलाएंगे और जो ऊपर आ जाएगा वो वाला बीज को हम लोग मतलब हटा देंगे, और अच्छे वाला बीज को हम लोग सूत्री बोरा में मतलब निकाल के और रख देंगे और उसको हम फैला देंगे। और उसको थोड़ा देर के लिए हम लोग पानी को सूखने देंगे। ये तो बहुत हुई सरसों के अच्छे बीज के चयन के बारे में। आइए अब हम दीदियों से बीज उपचार की विधि सीखते हैं। यदि हम 20 डिसमिल में खेती लगा रहे हैं तो हमें 50 ग्राम बीज चाहिए, गुड़ 100 ग्राम, 1 लीटर पानी और आधा से 1 ग्राम PSB और एजेक्टो वेक्टर और टाइकोड्रामा चाहिए। सरसों के बीज उपचार के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है? और अब हम लोग बीजा अमृत उसमें डालेंगे और बीजा अमृत डाल के पूरा मतलब पूरा मिला देंगे। सौ ग्राम गुड़ लेंगे, उसके बाद 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें मतलब सुसुम कर देंगे और उसमें गुड़ पानी डाल के पूरा घोल मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग बीजा को डालेंगे। मिलाने के बाद हम लोग आधा से 1 ग्राम PSB एजेक्टो वेक्टर डालेंगे जो एक चुटकी होगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइकोड्रामा डाल के पूरे दवा को मतलब अच्छा से मिलाएंगे जो हमारा सब पूरे बीजा में दवा चिपक जाएगा। उपचार होने के बाद हम पोटली बनाएंगे और पोटली बना के हम उसे 12 से 18 घंटा तक उसे हम छोड़ देंगे ताकि वो अंकुर हो जाएगा। सरसों के बीज उपचार की पूरी विधि क्या है तथा बीज उपचार से क्या फायदा होता है? जैसे हम लोग बच्चे को टीकाकरण पोलियो जो पिलाते हैं कि मतलब बीमारी आने वाला बीमारी से बचे, उसी तरह हम लोग बीज उपचार करते हैं कि मतलब फसल में बीमारी ना लगे, और बीमारी नहीं लगने के चलते हम लोग का फसल का उपज ज़्यादा होगा,
इसलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। समझौता नहीं करने वाली बातें। पहली, बीज की छटाई के लिए गुनगुना या लगभग चाय जितना गर्म पानी का प्रयोग करें। दूसरी, बीज उपचार छायादार स्थान पर करें। तीसरी, बीज उपचार में उपयोग किए जाने वाली दवाओं का बताए गए क्रम में ही उपयोग करें एवं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अंत में करें। चौथी, उपचार के बाद बीजों को सूती बोरे या कपड़े में लपेटकर छायादार स्थान पर अंकुरण के लिए रखें। मुझे विश्वास है कि आपको बीज का चयन एवं उपचार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देरी किस बात की, आप लोग भी इस बार श्री विधि से ही सरसों की खेती शुरू करें एवं बीज उपचार के लिए बताए गए विधि को अपनाएं। आने वाले वीडियो में हम श्री विधि से सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई के बारे में जानेंगे।